Let us start with example 6-7. In this case, a truss is being given to us and we are asked to determine the force in member EB of the truss shown. Now, if we take a look at this member EB, इसको हम किसी तरीके से भी कट कर लें, ये हर हाल में जब हम कट करेंगे तो हमारे पास कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं अगर हम इस सेक्शन AA को यूज करेंगे? जी, एनी आइडिया कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं यहाँ अगर हम सेक्शन A को यूज करें तो 4 हो रहे हैं? ओके, इट मींस कि हमारे पास इक्वेशंस कितनी होती हैं इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी के हवाले से? 3 इक्वेशंस. सो 4 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस, इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं? कोई आइडिया दे सकते हैं कोई स्टूडेंट? सर पहले आप ओवरऑल रिजिड बॉडी से इसका कोई वैल्यू फाइंड कर लें. किसकी वैल्यू? इसमें तो सपोर्ट रिएक्शन है ही नहीं, ऑलरेडी सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू आपको गिवन है 4000 न्यूटन और 2000 न्यूटन. ओके, इसमें एक आइडिया है कि चूंकि देखें आपके पास ये 3 मेंबर्स कट हो रहे हैं, 4 मेंबर्स कट हो रहे हैं जब आप सेक्शन AA का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी तौर पे भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस आपके पास 3 है तो इन 4 मेंबर्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे. देयरफॉर आप करते क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन आप सेक्शन BB को भी कंसिडर कर लेते हैं जिसमें आपने ट्रस को इस तरह सेक्शन किया हुआ है. अब सेक्शन BB में आपके पास 3 फोर्सेज हैं जिनमें से अगर किसी तरह एक आपको बेसिकली सेक्शन BB क्या है, ये जॉइंट ई जो है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है जो आपने मेथड ऑफ जॉइंट में पिछले टॉपिक में किया था, इजंट इट? जो सेक्शन BB है वो बेसिकली जॉइंट ई की फ्री बॉडी डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा जो आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में मेथड ऑफ जॉइंट्स वाला मेथड किया था. मेथड ऑफ जॉइंट के लिए आपके पास कितनी इक्वेशंस अवेलेबल होती थी किसी भी जॉइंट की अननोन फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए? 2 सर. 2. सो आपके पास यहाँ ई पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. अगर किसी तरह आप इनमें से कोई एक फोर्स फाइंड कर लेते हैं तो बाकी 2 आप डिटरमिन कर सकते हैं आराम से. जी सर. अच्छा, अब जरा आप सेक्शन AA को देखें, ये जो 4 मेंबर्स हैं इनमें से 3 मेंबर्स किस एक पॉइंट से पास हो रहे हैं? कौन सा सेक्शन सर? सेक्शन AA अगर आप देखें तो उसमें जो 4 मेंबर्स कट हो रहे हैं वो कौन से एक कॉमन पॉइंट पे कंकरेंट हैं? सर बी या ई? 4 मेंबर्स जो हैं उनमें से 3 बी पे कंकरेंट हैं, इजंट इट? यस सर. सो अगर आप इस सेक्शन AA को कंसिडर करके मोमेंट्स पॉइंट B के अबाउट ले लें तो आपके पास वो 3 तो अननोन B से पास हो रहे हैं, वो तो 0 मोमेंट क्रिएट करेंगे, आपको FED की वैल्यू मिल जाएगी, इजंट इट? अच्छा, जब FED की वैल्यू मिल जाएगी फिर आप सेक्शन BB को या जॉइंट E को कंसिडर करके एक नॉन वैल्यू आपको मिल गई है ED की, 2 अननोन रह जाएंगे EB एंड EF, तो EB की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, इजंट इट? चले सो स्टार्टिंग विद सेक्शन AA, हम सेक्शन AA को अगर कंसिडर करें एंड जिस तरह भी डिस्कस हुआ है टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट B टू बी इक्वल टू 0, सिंस 3 अननोन, अब फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ, हमारे पास ये 4 अननोन आ रहे हैं लेफ्ट सेक्शन पे जो कि मैंने एज अ टेंसाइल फोर्सेस के तौर पे लेके जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं. 3 अननोन फोर्सेस मेरे पास पास हो रही हैं फ्रॉम पॉइंट B तो उनकी वजह से मोमेंट नहीं आएगा, मोमेंट सिर्फ और सिर्फ FED की वजह से आएगा. अब FED कितना मोमेंट बनाएगा अबाउट पॉइंट B वो डिटरमिन करने के लिए हम इस FED को इसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें यूजिंग द वेरिग्नस थ्योरम. सो वेरिग्नस थ्योरम क्या कहती है कि FED को आप इसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे. FED का एंगल पता है आपको किस एंगल पे एक्ट कर रहा है क्योंकि उसका मुझे कंपोनेंट चाहिए? 30 डिग्रीज पे एक्ट कर रहे हैं. सो मैं इसको FED cos 30 और FED sin 30 के तौर पे ले सकता हूँ. सो लेफ्ट साइड की फ्री बॉडी डायग्राम में कंसिडर करूंगा एंड स्टार्टिंग विद FED cos 30 विच इज बेसिकली द x कंपोनेंट ऑफ FED. ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम पॉइंट बी? अब ये कैसे डिटरमिन करेंगे सर? ये भी हम इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिवाइड कर दें. ट्रिग्नोमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे? आपके पास ये पूरे के पूरा ट्राइंगल है, ठीक है?
एंगल आपके पास 30 डिग्रीज, या ये आपके पास ई है, ये पॉइंट डी है, ये एंगल 30 डिग्रीज पता है, यहाँ तक नोन है आपको चीजें। सपोज मैं कहता हूँ ये लाइन, इसको मैं एक्सटेंड करूँ, ये यहाँ कट कर रहा है, इसको मैं एम कह देता हूँ, तो एम डी की लेंथ नोन है आपको 2 मीटर, तो ई एम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली तो हमें ई एम चाहिए ना। जी सर बिल्कुल, tan 30 इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट के फार्मूले से सर। जी टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो ई एम डिवाइड बाई 2, यहाँ से आपको जो है वो ई एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ई एम की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 × tan 30, तो दैट कम्स आउट टू बी 1.1547 है, सो चले राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1.155 कर लेते हैं। समझ आ गई यार एक को? तो आपने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां, सॉरी ई एम की वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी? बी एम होगा सर, ई एम से आपको बी एम चाहिए। ठीक है, तो वो बी एम कैसे फाइंड करेंगे? उसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ए बी ई को, उसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना चाहें, आप ट्राइंगल ई बी सी को कंसिडर करें, तो उसके हिसाब से टेंजेंट, या आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, टेंजेंट 30 इज बेसिकली बी एम डिवाइडेड बाय, अगर आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, बी एम तो नहीं, सॉरी टेंजेंट 30 इक्वल टू डी एम, आप ये छोटे ट्राइंगल को कंसिडर कर लेना, ऐसे ही होगा। Isn't it? So आपके पास बेसिकली बी एम की वैल्यू भी वही आ जाएगी 1.155। ठीक है, सर हमें वैसे कैसे पता कि ई सी बी जो एंगल है वो 30 है? इसने कहीं भी ये तो नहीं लिखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक वो है सिमेट्रिकल है। हाँ चलें, फिर और कोई तरीका है फाइंड करने का? देयर इज वन मोर मेथड जिसमें आप इस तरह से जा सकते हैं। Can you follow this method? Although उससे भी exactly 2.309, 1.155 exactly वही आ रहे, जिससे पता तो चल जाएगा कि एक ही लाइन में, लेकिन अगर आपका वो पॉइंट लिया जाए कि लिखा हुआ कहीं नहीं है कि सी डी और डी सेम लाइन में, तो फिर देन यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड। ये नजर आ रहे हैं हर एक को? ये मेथड क्या कहता है? आपके पास जो ए ई या ई सी कह लें, इसका कॉस कॉम्पोनेंट तो 4 के बराबर है कि नहीं है, ये तो पता है ना? जी सर ये 4 के बराबर है। ठीक है, सो आपके पास ये 4 के बराबर है, इससे आपके पास ए ई की जो है वो लेंथ आ जाएगी, या ई सी आप राइट साइड कंसिडर करें उसकी लेंथ आ जाएगी, एंड देन फाइनली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई बी विच इज 2. ठीक है, तो या तो ये फॉलो कर लें, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इट इज 90 degrees, तो 90 degrees यानी इन लाइन है ये दोनों लिंक्स, तो मैं उस मेथड से भी जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अनलेस एंड अंटिल वो किसी और एंगल पे होते तो उसका फिर वो एंगल गिवन होता। चलें, अब ये एफ ई डी कॉस 30 जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे हैं पॉइंट बी के अबाउट या काउंटर क्लॉकवाइज? सर ये काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा है। सेकंड कंपोनेंट इसका था एफ ई डी साइन 30, उसमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई इशू नहीं है, वो तो 2 meters है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। आर यू श्योर? काउंटर क्लॉकवाइज नहीं बनाएगा? जी सर इसे काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। इसके अलावा कोई और फोर्स जो पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट बनाएगी हमारे राइट साइड वाले सेक्शन में? 1000 newton और 2000 newton। ओके, 1000 newton वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें गिवन है 2,
और ये क्लॉकवाइज है, सो इसके साथ नेगेटिव साइन डाल लिया. 2000 न्यूटन वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, और ये बनाएगी काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ तक इसको डाल लिया. एनी अदर फोर्स? और तो कोई फोर्स नहीं है. सो वंस यू सॉल्व इट, द वैल्यू ऑफ एफ ई डी वुड कम्स आउट टू बी -3000 न्यूटन, एंड द नेगेटिव साइन शोज कि दिस ई डी इज गोइंग टू बी इन कंप्रेशन. क्लियर है यहाँ तक? जी सर. ओके, वंस यू हैव फाउंड दैट ई डी, उसके बाद आप मेथड ऑफ सेक्शन के बजाय मेथड ऑफ जॉइंट का इस्तेमाल कर लें. आपके पास जॉइंट ई है जिसपे एक अदद अप्लाइड लोड है विच इज 1000 न्यूटन. ई डी आपके पास ऑलरेडी कंप्रेसिव फोर्स के तौर पे आ गई है, तो आपने एफ ई डी को कंप्रेशन में शो कर दिया. दो अननोन्स हैं, वन इज एफ ई बी, इसको आपने एज अ टेंशन में सपोज कर लिया, और दूसरा आपके पास एफ ई एफ है, इसको भी आपने टेंशन में सपोज कर लिया है. आप क्या यूज करेंगे कि आपको एफ ई बी की वैल्यू मिल जाएगी? आप सिंपली जो है वो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई का इस्तेमाल कर लेंगे. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ ई बी टू बी 2000 न्यूटन इन टेंशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या कोई पॉइंट है आपका? अब इसमें हम कम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ सेक्शन प्लस मेथड ऑफ जॉइंट, क्योंकि खाली मेथड ऑफ सेक्शन से एक तरह से इस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता.